माय नेम इज लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है इंग्लिश में वो है बी, ठीक है। तो बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंग्लिश में, क्योंकि यही सब्जेक्ट को यही ऑब्जेक्ट में हर जगह काम आता है, ठीक है। तो बी के टाइप देखते हैं, बी कितने टाइप का होता है। मेन चीज़ पहले तो होता है कि हेल्पिंग वर्ब में काम आता है बी, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है कि एक ये मेन वर्ब में काम आता है। तो हेल्पिंग वर्ब में कहाँ पर काम आता है, हेल्पिंग वर्ब में देखें तो जैसे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के रूप में काम आता है, और पास्ट टेंस में वाज या वर के रूप में काम आता है, ठीक है। और बात करें मेन वर्ब में कहाँ पे काम आता है, तो मेन वर्ब में आता है इन फॉर्म्स में, बी बीइंग और बीन के फॉर्म में बी काम आता है, ठीक है। ये कहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे अपन को पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पीछे घुमाना होता है। जैसे मैंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बताया था कि कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म पीछे घुमाती है अपने इफेक्ट को, वहाँ पे बी जब ये नहीं यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को बी तो लगाना ही है, क्योंकि पैसिव में जो इफेक्ट है सब्जेक्ट की तरफ घुमाना है। तो जब ये नहीं लग सकते ये जे मार वाज वर, तो यहाँ पे ये यूज़ करने पड़ते हैं वहाँ पे अपन को, ठीक है। तो कुछ एक सेंटेंस देखते हैं जैसे कैसे बी का मीनिंग चेंज होता है सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस है ही शुड बी, और दूसरा ही मे बी, और लास्ट है ही विल बी। तो ही शुड बी का मतलब वो होना चाहिए, वो होना चाहिए इसका मतलब वो हो सकता है, और ही इसका मतलब वो होगा। तो कितना चेंज हो रहा है, होना चाहिए, हो सकता है और होगा। तो बी लगाने को पूरे सेंटेंस का मतलब बदल रहा है, ठीक है। ये तो हो गया एक्टिव सेंटेंस, कौन से एक्टिव सेंटेंस। बात करें पैसिव सेंटेंस में बी कैसे काम करता है, तो एग्जांपल देखते हैं। इट कैन बी डन बाय मी, बाय हिम, है ना। तो कौन सा सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि इस पर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव सेंटेंस में ही पैसिव सब्जेक्ट होता है। और पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस पे जो कार्य नहीं करता हो, जिस पे कार्य किया जाता हो। तो इट पे कार्य किया जा रहा है बाय हिम, इसके द्वारा। तो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म अपने इफेक्ट को क्या कर रही है, सब्जेक्ट पे डाल रही है, ठीक है ना। तो ये कार्य किया गया इसके द्वारा, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल रही है। तो यहाँ पे ऐसे काम आता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी, और एक्टिव सेंटेंस में ऐसे काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो बी में आता है ई जे एम आर प्रेजेंट के हिसाब से, वॉज वर पास्ट के हिसाब से, और बी बी बीन, बी बीन बींग, ये मेन वर्ब के हिसाब से, जहाँ पे अपन को इफेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ घुमाना होता है। जहाँ पे अपन ई जे एम आर वॉज वर यूज नहीं कर सकते वहाँ पर इनको यूज करते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बी को यूज़ किया जाता है। तो आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। अभी सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मैंने बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजेक्टिव कैसे निकालते हैं, एक रिदम बताए थे मैंने, तुम गुड हो, तुम बेड हो, और तुम सक्सेसफुल हो। तो जैसे बोलने में अगर सही लगता हो, जैसे तुम्हारी रिदम जो बनी हो किसी सेंटेंस के साथ, जैसे सक्सेसफुल निकालना है कि एडजेक्टिव है या नहीं है, तो रिदम पकड़ लो कौन सी, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम सक्सेसफुल हो, अगर बोलने में सही लगे तो वो चीज़ क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं लिख देता, जैसे कुछ भी और लिख देता, जैसे सक्सेस लिख देता, यहाँ पे ओनली सक्सेस होता, तो जैसे अगर इसका निकालना मुझे एडजेक्टिव है या नहीं है, तो कैसे निकालता, तुम गुड हो, तुम बेड़ो, तुम सक्सेस हो, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्सेस क्या है, सफलता, सफलता क्या है, एक नाउन है। नाउन को कैसे निकालते मैंने बताया था, उसकी भी रिदम बताई थी, क्या तुम्हारा पेन, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी सक्सेस, बोलने में सही लग रहा है, तो सक्सेस क्या हो जाएगा, नाउन, और सक्सेसफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बी के बाद एडजेक्टिव आता है, अपन ये देखते हैं बी के बाद एडजेक्टिव, तो बी के बाद एडजेक्टिव सही है, तो इसका मतलब क्या है, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो होने का सेंस दे रहा है यहाँ पे बी, होने का सेंस क्या दे रहा है, बी होने का सेंस दे रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, आई वांट टू बी हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है ये भी, कैसे, क्योंकि हैप्पी यानी अब इसको रिदम पकड़ लो कैसे, जो मैंने बताया थे अभी, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम हैप्पी हो, बोलने में सही लग रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बी के बाद आ सकता है, एडजेक्टिव बी के बाद आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो यहाँ बी का मतलब क्या हो जाएगा, रहना, बी का मतलब क्या हो जाएगा, रहना, ठीक है। ये वाला देखते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, अबे अ डॉक्टर क्या है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी आ सकता है, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे बी का मतलब क्या हो जाएगा, बनना। तो देखो कितना बदल रहा है, यहाँ पे बी का मतलब है होना, यहाँ पे बी का मतलब है रहना, और यहाँ बी का मतलब है बनना। तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में, इंग्लिश स्पोकन में भी, एज वेल एज अगर अपन कंपिटेटिव एग्जाम में देखें तो वहाँ पर भी बहुत काम आता है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस ही बी को सब्जेक्ट पे घुमाता है। बी के बाद और क्या क्या आ सकते थे, एडजेक्टिव आया भाई अपन ने देखा,
बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है आईएनजी वाली, वो आ सकता है। बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है। बी के बाद टीवी की थर्ड फॉर्म आ सकती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस टीवी की थर्ड फॉर्म आ सकती है, ठीक है, जो कि पैसिव सेंटेंस में आती है। तो अभी आज अपन देख रहे हैं बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यू कैन सक्सेसफुल। अब यू कैन सक्सेसफुल, यू कैन सक्सेसफुल, बी के ये कैन क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सक्सेसफुल क्या है, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव थोड़ी ना आ सकता है, क्योंकि कैन के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो सक्सेसफुल की वर्ब क्या बनेगी, सक्सेसफुल की वर्ब क्या बनेगी, सक्सीड। अपन यहाँ पे अगर सक्सीड होता, यहाँ पे अगर सक्सीड होता है तो ये सेंटेंस सही हो जाता, क्योंकि बी प्लस वर्ग के थर्ड फॉर्म के हिसाब से सक्सीड सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, मॉडल के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर सक्सीड होता तो सही हो जाता, ठीक है। यू कैन बी सक्सेसफुल, अब कैन बी सक्सेसफुल, कैन के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बी क्या है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके हिसाब से सही हो गया, और बी के हिसाब से ये एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, तो बी के हिसाब से एडजेक्टिव आता है, बी के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये सही वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पे जो बी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, किन किन के बीच में, मॉडल के बीच में और एडजेक्टिव के बीच में, क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि जो बी है कैन के हिसाब से वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सक्सेसफुल सक्सेसफुल के हिसाब से बी क्या है, एक काम कर रहा है कि ताकि एडजेक्टिव की तरह अपना काम पूरा कर सके, क्योंकि एडजेक्टिव बी के बाद आता है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, इस हिसाब से सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इस सक्सेसफुल की अगर वर्ब बनाते हैं तो सक्सीड, यू कैन सक्सीड, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। आज के वन वर्ड देख लेते हैं। वन वर्ड क्या है, कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट यानी क्या होता है, बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला व्यक्ति, जो रिकवर होता है किसी भी डिजीज से इफेक्ट होने के बाद जो रिकवर होता है वो व्यक्ति कॉन्वलेसेंट कहलाता है, ठीक है। कफलर, कफलर क्या होता है, चालक, जो किसी भी जो कार को ड्राइव करता है ना, तो क्या हो जाएगा, कफलर यानी चालक, कार को ड्राइव करने वाला, ठीक है। और कैडलर क्या हो जाएगा, कैडलर हो जाएगा जो पानी के जो जहाज होते हैं ना, उनके सामानों को, उनके सामानों को बेचने के साथ डील करने वाला, जो सामान बेचता है पानी के जहाज के लिए, तो क्या हो जाएगा, कैडलर, ठीक है। डैमेज क्या होता है, डैमेज क्या होता है, जनोत्तक। ये जो वर्ड है थोड़ा अजीब है, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। जो जैसे कोई नेता लोग होते हैं ना, तो वो अपने भाषण से लोगों को उत्साहित कर देते हैं कुछ भी करने के लिए, कि हाँ मुझे वोट दो, या मैं मतलब जो उनको प्रभावी, उनका जो भाषण बहुत प्रभावी होता है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, जनोत्तक, डेमेग्यू कहलाते हैं वो लोग, उनका भाषण में इतनी पावर होती है, ठीक है, जो वो स्पीच देते हैं तो उसमें, ठीक है। बात करते हैं एडमन फ्रेज, तो है आज का है टू गेट द शेक। टू गेट द शेक मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना। टू गेट द शेक यानी नौकरी से निकाल देना। पुट अप विद यानी बर्दाश्त करना। अगला है टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। तो ड्रॉ ऑन वंस फैंसी यानी अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना, अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको प्रयोग करना, ठीक है, उनको यूज में लाना। अगला है टू पे थ्रो वंस नोज। टू पे थ्रो वंस नोज, वंस नोज यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, भारी रकम चुकाना। क्या हो जाएगा, टू पे वंस थ्रो वंस नोज यानी भारी रकम चुकाना। तो ये हो गया आज का वीडियो। इसमें मैंने बी को बताया बी के साथ एडजेक्टिव कैसे काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे बी के साथ नाउन ऑफ आइडेंटिटी कैसे आता है, बी के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है आईएनजी वाली, है ना, बी के साथ वर्ग की टीवी की थर्ड फॉर्म कैसे आती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें पूरा बेसिक से सिखा रहा हूँ इंग्लिश को, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।